जीवन क्या है, पूरा जीवन क्या है। हम लोग जीवन को टुकड़े टुकड़े करके जीते हैं, छोटे छोटे करके जीते हैं। आज बच्चे होते हैं तो किशोरापन की जीवन नहीं जानते, किशोर होते हैं तो बचपना को भूलते हैं और जवानी को नहीं जानते, जवान होते हैं तो बुढ़ापा को नहीं स्वीकार करते और बूढ़े होते हैं तो फिर और चीजों को स्वीकार नहीं करते, बचपना को स्वीकार नहीं करते, बच्चों को डांटते रहते हैं। और जिस परमात्मा के जन्म अष्टमी पर आप आए हो वो पूरा का पूरा है, इसलिए कि पूर्ण वही है, पूरा का पूरा वही है। लेकिन आप जानते हो कि पहले 500 वर्षों तक लोगों ने खोज किया और कहा कि भगवान हमें जन्म देता है, पालन करता है और शैतान हमें मारता है। लेकिन इस 500 वर्षों में खोज हुई, नहीं, जन्म भी वही देता है, मृत्यु भी वही देता है। लेकिन उसके रहते शैतान की क्या मजाल की मृत्यु दे दे, जन्म भी उसी का अंश है तो मृत्यु भी उसी का अंश है, वो पूरा का पूरा है, कंप्लीट पैकेज है। अभी एक बात बताओ, यहां दिन हुआ है, अमेरिका में क्या हुआ होगा? तो अगर वो बोले कि हमारे यहां रात है, आप बोले हमारे यहां दोपहर दिन है, हम दोनों में सही कौन होंगे? दोनों सही होंगे, लेकिन तुम दिन देख रहे हो, वो रात देख रहे हैं और कृष्ण वहां बैठे हैं जो उनको दोनों दिख रहा है। कृष्ण के पास वो आंखें हैं कि जो उन्हें पूरा का पूरा दिख रहा है। तब मेरे बंधुओं, पूर्ण जीवन को जीने वाले कृष्ण, पूरे के पूरे जीने वाले कृष्ण की आज जयंती पर आए हैं, तो हम आज बच्चे भी होंगे, जवान भी होंगे, किशोर भी होंगे और बूढ़ा कभी नहीं होंगे, बूढ़ा कभी नहीं होंगे। इसलिए कि बूढ़ा मैं उस व्यक्ति को कहता हूं जो आउटडेटेड हो गया हो, जो इस संसार के जिसमें जीने की चाह खत्म हो गई हो, जिसमें इस कुछ करने की चाह खत्म हो गई हो। जब दुनिया में कुछ करने की चाह खत्म हो जाए, दुनिया के जब हर चीज से तुम खत्म हो जाए, तो समझना तुम बूढ़े हो गए हो। इसलिए महापुरुष कभी मरते नहीं, समाधि लेते हैं, हमेशा जवान रहते हैं। किसी भी भगवान की मूर्ति को देख लेना, बुढ़ापा की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, होती है। किसी भी भगवान के मूर्ति को देख लो, क्या उनके अंदर दाढ़ी मूछ है? एकदम किशोरापन का, नौजवान किशोर का, बिना दाढ़ी मूछ की मूर्ति है भगवान की। क्या कृष्ण की देख लो, क्या राम की देख लो, क्या महावीर की देख लो, क्या बुद्ध की देख लो, क्या किसी भी तीर्थंकर की देख लो, या शिव की देख लो, बताओ है कोई बुढ़ेपन की? कभी नहीं, कोई नहीं। हमेशा उनकी मूर्ति किशोर है, नौजवान है और एकदम किशोरापन है। इसलिए कि उनको संसार के लिए जीना था, रोज जीते रहे और प्रतिदिन नए जीवन को जीते रहे, इसलिए कभी वो बूढ़े हुए नहीं, कभी वो वृद्ध हुए ही नहीं। तब मेरे बंधुओं, कृष्ण से पहला चीज उतारो कि मैन इज नॉट डिजाइंड टू बी टायर्ड, मैन इज नॉट डिजाइंड टू बी टायर्ड। आदमी बना ही नहीं कभी थकने के लिए, आदमी बना ही नहीं कभी थकने के लिए, हारने के लिए। इसलिए कि कृष्ण के जीवन को देख लो, कभी हारते नहीं। जब लीलाओं को तुम सुनते हो तो कहते हो अंधेरी रात में जन्म होता है। मेरे बंधुओं, हर मनुष्य की जन्म अंधेरे में होता है, प्रकाश में कोई नहीं जन्मा है। हाँ, जो अवतरित होता है वो प्रकाशमय होता है। कहते हैं कि जैसे तुम राम के लिए पढ़ते हो कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरस रम हर निहारी अद्भुत रूप निहारी निज आयुध बुध चारी भूषण मन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। मेरे बंधुओं, कहते हैं कि वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, स्वयं आ जाता है, परमात्मा उतर जाता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इस संसार के हित के लिए, माताओं के हित के लिए, नारियों के हित के लिए, पूरी सृष्टि के हित के लिए परमात्मा आता है, परमात्मा उतरता है।